आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है 5 डिफरेंट गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रंस रेंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चाइल्ड गेट एट लीस्ट 1 गेम। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चाइल्ड गेट एट लीस्ट 1 गेम। प्रोबेबिलिटी 4 चाइल्ड्स हैं और इसमें 5 डिफरेंट गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी जो लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस आएगा नीचे ns बाय टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकर्स। यहाँ पे वेज आएगा अकर का, एटलीस्ट का। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ ns क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस। फर्स्ट गेम को यहाँ पे डालने के तरीके कितने हैं, 4। सेकंड गेम को भी डालने के तरीके हैं 4। चार क्योंकि प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है क्यों, क्योंकि 4 चिल्ड्रन गिवन है। अब थर्ड गेम को भी डालने का तरीका है 4, फोर्थ का भी है 4, फिफ्थ का भी है 4। तो टोटल जो मेरा सिंपल स्पेस हो जाएगा 4 to the power 5 हो जाएगा। अब मिनिमम एक तो जानी चाहिए सब में, ईच चाइल्ड गेट एट लीस्ट 1 गेम्स, मिनिमम एक तो गेम चाहिए। तो गेम एक चाहिए तो मिनिमम एक एक दे देते हैं सबको, एक 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 और यहाँ पे 2 जाएगा, क्योंकि टोटल 5 गेम है। 5 गेम में से यहाँ पे 3, 2, 5 गेम हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, और सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में हम यहाँ पे सपोज करते हैं 2 देते हैं, फिर 2 देते हैं, फिर 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे 5 गेम तो यूज हो गया है और फोर्थ चिल्ड्रेन को कुछ मिला ही नहीं है। तो ये केस पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ ये केस पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज डेट गेट एट लीस्ट 1 गेम इज इक्वल टू, तो टोटल 5 गेम है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कैसे, 5 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial into 1 factorial into 2 factorial। लेकिन 1 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और लेकिन ये 4 जगह में हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये 4 फैक्टोरियल क्यों हुआ, और यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया, इसमें इसलिए नहीं करना है कि सारे ये डिफरेंट हैं, इसलिए सिमिलर नहीं है, लेकिन देखने में सिमिलर दिख रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, 5 into 4 into 3 factorial डिवाइडेड बाई 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial। 3 factorial गेट कैंसिल्ड आउट, 2 फैक्टोरियल से ये गया 2 टाइम्स में, तो टोटल वैल्यू जो यहाँ पे आ गया 10 multiply 4 factorial। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 into 10 240। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया, आ गया 240 आ गए। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, एटलीस्ट 1 का केस होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आ गया, टोटल नंबर ऑफ अकरिंग ऑफ वेज यही है 240। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 to the power 5। 240 डिवाइडेड बाय 4 to the power 5, दिस इज द अब आंसर। जस्ट सिंप्लीफाई व्हाट, 240 डिवाइडेड बाय 4 to the power 5 इज इक्वल टू 1024। द फाइनल आंसर विल कम्स आउट, दिस कैंसिल्ड आउट इज इक्वल टू 15 divided by 64। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।